सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पाई नेटवर्क पे कैसे अपने केवाईसी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है और पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और लेट्स गो गाइस, पाई नेटवर्क में केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको पाई एप्लीकेशन ओपन करना है और जैसे आप माइन बटन पर क्लिक करते हो तो इंस्टेंटली केवाईसी का पेज जो है पॉपअप होता है और एक बार आप डिसमिस करते हो तो नेक्स्ट 24 आवर के बाद फिर से केवाईसी का पेज पॉपअप होगा। और अभी तक अगर आपके डैशबोर्ड पे नहीं आ रहे तो कुछ दिन के अंदर आपके डैशबोर्ड पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओपन पाई ब्राउज़र पे क्लिक करना है, देन साइन इन पाई ब्राउज़र पे क्लिक करना है और क्रोम से ओपन कर लेना है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ पर आपको पाई ब्राउज़र का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। इंस्टॉल आपको करके ओपन कर लेना है। तो जैसे आप पाई ब्राउज़र को इंस्टॉल करके ओपन करते हो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको केवाईसी करने के लिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है केवाईसी पाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आप अपने इन्फॉर्मेशन जो अभी शेयर करने वाले हो। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा पेज यहाँ पर आएगा। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करने होंगे कि कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो। तो मैं इंडिया से हूँ इसलिए इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, आधार कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट। इन चारों में से जिसमें आपका डिटेल्स सब कुछ सही है वो आप सेलेक्ट करिए एंड आगे की प्रोसेस कंप्लीट करिए। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर ओके करना है एंड आई एम 18+ पे टिक करके लेट्स गो पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने आईडी फोटो अपलोड करने होंगे और आपके इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे एंड देन यहाँ पर पेमेंट कटता है जो कि ऑटोमेटिक कट जाएगा एक पाई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो भी आप फोटो वगैरह अपलोड करोगे बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए, लाइट यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और डाटा क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और लेट्स गो, अभी आपको यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक करना है और परमिशन पूछा जाएगा, उसको अलाउ कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड फ्रंट फोटो पे क्लिक करना है। तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आपके आधार कार्ड का आपको सही तरीके से फोटो अपलोड करना है, अच्छे लाइट कंडीशन होना चाहिए, डाटा क्लियर होना चाहिए, ये आपको ध्यान पे रखना है, नहीं तो आपका केवाईसी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पे बैक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर आपको क्लिक करके सिंपली आपको अपने बैक फोटो भी अपलोड कर देने होंगे आधार कार्ड का। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे जो है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो मैं आपको बताया तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम डालना होगा और उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद लास्ट नेम आपका यहाँ पर डाल दीजिए। जो भी यहाँ पे डिटेल्स आप डालोगे वो आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा YYYY MM DD के फॉर्मेट में एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट आईडी नंबर आपको डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का जो नंबर होता है सीरियल नंबर वो नंबर आपको डालना पड़ेगा। और आधार कार्ड का एक्सपायर डेट नहीं होता है इसलिए आप यहाँ पे माई आईडी कार्ड डजेंट हैव एक्सपायर डेट पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है अपना, देन आपको अपने एड्रेस को यहाँ पे देना है, एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2। 2 जो है ऑप्शनल है, तो आप लाइन 1 पे ही अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हो जो भी आपके आधार कार्ड के बैक पे लिखा हुआ है। देन आपको अपने सिटी सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा और आपका पिन कोड आपको डालना होगा जिसे जिप कोड भी कहा जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स फिल कर लिया है, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, बेसिकली आपका जो भी डाटा आपने टाइप किया है वो अपलोड होगा। अपलोड के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। बेसिकली थर्ड नंबर स्टेप पे जो है आपको अपने आइडेंटिटी कंफर्मेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आपको सेल्फी कैमरा से आपके फ़ोटो, वीडियो और स्माइल के साथ एक फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस लाइव होगा इसलिए आप आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एक वीडियो लिया जाएगा, आपको कैमरा की तरफ देखना है। उसके बाद एक फ़ोटो लिया जाएगा जो कि आपको स्टिल कैमरा की तरफ देखना है एंड देन आपको स्माइल करके कैमरा की तरफ आपको देखना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है डन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जो आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन रिव्यू आ जाएगा, आप पूरा डिटेल्स एक बार सही तरीके से मैच कर लीजिए। अगर कुछ गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे एडिट करना है। और अगर सही है तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट पेज में बेसिकली आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका फ़ोटो और आपने जो फेस वेरिफिकेशन किया है उसका फ़ोटो और आपके आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे आपको शो होगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छे तरीके से आपको मैच करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, तो आपको यहाँ पे सबमिट एंड पे पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज यहाँ पे आपको शो होगा। तो अगर आपको एडिट करना है, कुछ गलती आपने किया तो यहाँ पे आप नो आई वांट टू एडिट पे क्लिक करेंगे और अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे यस डाटा इज एक्यूरेट पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप डाटा इज एक्यूरेट पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है, यानी कि आपका केवाईसी जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो सबमिट करने के बाद आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है ये जो है प्रोग्रेस पे रहता है। केवाईसी का जो टीम है वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटस देखने के लिए आप सी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेसिकली रिव्यू इन प्रोग्रेस आपको दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम आप इस पेज पे आके देखोगे जब भी यहाँ पे अप्रूव होगा तो अप्रूव शो हो जाएगा और उसको आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू।